अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत आयोजित कैंप के दौरान चोइथराम नेत्रालय में 8 मरीजों में संक्रमण का मामला सामने आया था। प्रकरण सामने आने के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के सभी ऑपरेशन थिएटर सील किए थे। जांच रिपोर्ट में इन्फेक्शन का कारण सामने नहीं आने के बाद कलेक्टर ने अस्पताल के ओटी खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं अस्पताल को शोकाज नोटिस भी जारी किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। धार रोड स्थित चोइथराम नेत्रालय में 20 मार्च को अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत 79 मरीज के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। 21 मार्च को डिस्चार्ज करने के पूर्व 4 मरीजों में संक्रमण मिला था। इसके बाद 22 मार्च को 4 मरीज और सामने आए जिनकी आंखों में संक्रमण होने के कारण आंखों की रोशनी प्रभावित हुई थी। इसकी जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले अस्पताल के सभी ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए थे। सोमवार को कलेक्टर द्वारा गठित किए गए जांच दल ने सभी मरीजों की पुनः जांच की। इस जांच में अधिकतर मरीजों की रोशनी सामान्य मिली। हालांकि संक्रमण होने का कोई भी स्पष्ट कारण जांच दल नहीं बता पाया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह ने चोइथराम नेत्रालय के सभी ऑपरेशन थिएटर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए। अभी जो 9 केसेस जो थे वो 9 केसेस उसमें इन्फेक्शन आया था, क्योंकि टीम बनाई गई थी स्टेट लेवल से, जो टीम बनाई थी उसमें मेडिकल कॉलेज की टीम भी थी, जिला स्तर की भी थी। 9 में से जो है 5-6 केसेस में रोशनी लगभग नॉर्मल थे, 6/6 को विजन आ रहा। 2-3 केसेस में थोड़ा इन्फेक्शन है जो प्रोग्रेसिव स्टेज में है, तो वो भी बता रहे कि थोड़ा टाइम लगेगा मगर उनकी रोशनी भी नॉर्मल आ जाए। और अभी तब तक इनको नोटिस दिया, उनके जो ऑपरेशन थिएटर सभी बंद है और आज जो है उनका ऑपरेशन थिएटर के कल्चर रिपोर्ट के लिए उनको ऑपरेशन थिएटर के नोटिस दिया जा रहा है कि अब जब तक 3 कल्चर रिपोर्ट नहीं होगी ओटी की, तब तक आप उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। जब आप वो अगर 3 रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात ही वो ऑपरेशन शुरू करेंगे और उसके बाद जो है लगभग 100 ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद ही कैंप की उनकी अनुमति दी जाएगी और वो स्टेट से हम लोग उनकी अनुमति लेंगे। बिल्कुल उनका ये इस तरह से जो केसेस हुए हैं, इन्फेक्शन के केसेस आए, क्योंकि ज़्यादा डैमेज नहीं है, मगर फिर भी इसको शोकाज नोटिस एक दिया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी प्रारंभ करने के पहले अस्पताल प्रबंधन को सभी ओटी के 3 कल्चर कराने होंगे। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही सर्जरी प्रारंभ की जा सकती है। कैंप के अनुमति के लिए अस्पताल को 100 ऑपरेशन करने होंगे। इन ऑपरेशन की रिपोर्ट के बाद ही स्वास्थ्य विभाग कैंप की अनुमति प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।